Welcome to our YouTube channel. This is Kumar Deepakanan and today we are going to answer all the questions of the lesson 3rd, Gilu. CBSE of Bihar Board 10th class. गिलू में यहाँ पे बी नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं स्टूडेंट्स. आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, संक्षेप में आंसर देना है. हाउ डिड गिलू सस्टेन ऊंट, गिलू को घाव मतलब कैसे हुए, यानी कि उसके जो घाव मतलब हुए थे वो कैसे सस्टेन हुआ था. टू क्रोज असॉल्टेड गिलू विद देयर बिक्स एंड ही सस्टेनिंग द ऊंट ऑन हिज बॉडी बिकेम मोशनलेस क्लिंगिंग टू द पॉट. दो कौवे गिलू को असॉल्ट किए थे, उस पर आक्रमण किए थे अपने बिक से, चोंचों से, ठीक है. एंड ही सस्टेनिंग टू वुंड्स, और इसके कारण से उसके शरीर पे दो घाव हो गया था और मोशनलेस हो गया था और वो क्या होता है, पॉट से चिपका हुआ था. हु स्टार्टेड कॉलिंग द टैनी बेबी स्क्विरल एज गिलू, यानी कि कौन छोटी गिलहरी को, बेबी गिलहरी को गिलू कहना शुरू किया. तो इट वॉज रेसिडेंट्स ऑफ महादेवी हाउस हु कॉल्ड हिम गिलू, यानी कि ये मतलब कि महादेवी के घर के जो लोग थे, ठीक है, वे ही उसको गिलू कहना शुरू किए थे. विच ऑइंटमेंट वॉज अप्लाइड ऑन द ऊंट ऑफ द टैनी बेबी स्क्विरल, कौन सी ऑइंटमेंट टैनी बेबी यानी कि छोटी बेबी स्क्विरल के घाव पे लगाया गया था. तो इट वॉज पेनिसिलिन ऑइंटमेंट विच वॉज अप्लाइड ऑन द ऊंट ऑफ टीनी बेबी स्क्विरल, यह पेनिसिलिन की ऑइंटमेंट थी जिसे बेबी स्क्विरल के शरीर पे लगाया गया था. स्टूडेंट्स यहाँ पे टीनी का स्पेलिंग गलत है, आप यहाँ से टीनी का स्पेलिंग ये कर लेंगे. वॉट डज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉमन टू द प्रॉपर नाउन इम्प्लाई, वॉट डिफरेंस डज अ नेम मेक, यानी कि किस तरीके की जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो मतलब कॉमन से प्रॉपर नाउन का क्या इम्प्लाई होता है, व्हाट डिफरेंस डज अ नेम मेक, और एक नाम जो है वो क्या अंतर करता है. कॉमन नाउन सिग्निफाइज ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ अ थिंग, यानी जो कॉमन नाउन जो होता है वो मतलब कि सारे मतलब कि एक चीज के सारे इंडिविजुअल्स को मतलब क्या सिग्निफाइन करता है, ठीक है. वाइल अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इट टू अ पर्टिकुलर नेम, लेकिन जब क्या करते हैं कि इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं एक खास नाम में, पर्टिकुलर नेम में, ओके, सिंगल इंडिविजुअल इज कॉल्ड, तो इसे हम लोग क्या कॉल प्रॉपर नाउन, तो इसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं. अ नेम डिफरेंशिएट अ इंडिविजुअल फ्रॉम द अदर्स, और एक नाम जो है वो दूसरों से क्या करता है, अलग करता है. फिर यहाँ पर ब्रीफली आंसर देना है. हाउ वुड गिलू इन्फॉर्म दैट ही वॉज हंग्री, गिलू मतलब कैसे इन्फॉर्म कर रहा था कि वो भूखा था. बींग हंग्री गिलू वुड इन्फॉर्म बाई ट्वीटिंग चिक चिक, यानी कि भूखा जब होता था गिलू तो क्या करता, चिक चिक की आवाज करता था. वॉट प्रोमोटेड द नैरेटर टू सेट गिलू फ्री, मतलब कि क्या चीज नैरेटर को प्रमोट किया कि उसने गिलू को सेट फ्री कर, यानी कि मुक्त करना चाहिए उनको, यानी कि जो रखा हुआ था उसको केज में, तो उसको मुक्त करना चाहिए. तो आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्किट्स ऑफ काजू फ्रॉम द नैरेटर, गिलू वुड ट्रांसफायर समथिंग टू द अदर स्क्विरल आउटसाइड वायर मेस विंडो, यानी कि कुछ बिस्कुट और काजू रिसीव करने के बाद फ्रॉम द नैरेटर से गिलू वुड ट्रांसपायर समथिंग, गिलू मतलब जो था वो दूसरे गृहली के प्रति उसका वो ट्रांसपायर करता था. आउटसाइड द वायर मेस विंडो, वायर मेस के बाहर जो गिलहरियां मतलब खेलती थी उसको देख करके उसके मन में कुछ होता था. सिटिंग ऑफ गिलू नियर द विंडो, और विंडो के बिल्कुल नजदीक बैठ करके वो बैठा हुआ हो रहा था. एंड अफेक्शनेटली पियरिंग एट द वर्ल्ड आउटसाइड, और बाहर की दुनिया पे वो लगातार मतलब कि अफेक्शनेटली प्यार से देखता रहता था. मेड द गिलू रेडाइड, यही जो चीजें थी वो नैरेटर को ये एहसास दिलाई कि इट वॉज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री, कि उसे मतलब कि फ्री कर देना चाहिए. वॉट इज द लाइफ स्पैन ऑफ स्क्विरल्स, स्क्विरल्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 2 ईयर्स, यानी कि कितने साल की स्क्विरल की लाइफ होती है, तो लाइफ स्क्विरल की 2 साल की होती है. व्हाट वाज गिलू फेवरेट फूड, गिलू का फेवरेट फूड क्या था, तो काजू वाज द फेवरेट फूड ऑफ गिलू, यहाँ पे गिलू का स्पेलिंग गलत है, तो गिलू का फेवरेट फूड काजू था. When was his swing taken off? उसका swing कब उतार लिया गया? When गिलू died, his swing was taken off the hook. जब गिलू मर गया तो उसके स्विंग को उतार ली गई.
नेक्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, व्हाट डिड द नरेटर डू विद द विंटर स्क्विरल? नरेटर घायल गिलहरी के साथ क्या किया? द नरेटर व्हेन सॉ द विंटर स्क्विरल एट द जंक्शन ऑफ द फ्लावर पॉट एंड द वॉल, नरेटर जब घायल गिलहरी को वॉल और फ्लावर पॉट के जंक्शन में देखा यानी कि बीच में देखा, पुट इट ऑन हर हैंड, इसे अपने हाथ में उठा लिया, इसे यहाँ पे ऑफ होना चाहिए, यूपी स्टूडेंट्स यूपी कर लीजिएगा, वाइप्ड आउट द ब्लड ऑफ द ऊंट जेंटली विद द कॉटन उल, वह क्या किया, फिर ब्लड को कॉटन उल से यानी कि रुई से उसको साफ किया प्यार से। ओके, हाउ डिड नरेटर मेक द टीनी बेबी स्क्विरल हेल एंड हेल्दी हार्टी, छोटी गिलहरी को उसने स्वस्थ कैसे बनाया नरेटर ने? द नरेटर टुक द वाउंडेड स्क्विरल ऑन हर हैंड एंड वाइप्ड आउट इट्स ब्लड विद कॉटन वूल, जो नरेटर है वो क्या करता है कि अपने अपने हाथों में जो घायल गिलहरी है उसको उठा लेता है और उसके खून को कॉटन वूल से साफ करता है। सी देन अप्लाइड पेनिसिलिन ऑइंटमेंट टू द वुंड्स, उसके बाद क्या करता है उस पर पेनिसिलिन की ऑइंटमेंट लगाता है घाव पे। आफ्टर वाइपिंग द अप्लाइंग ऑइंटमेंट ही शी ट्राइड टू फीड हिम मिल्क, और ब्लड को पूछने के बाद से और उस पर ऑइंटमेंट लगाने के बाद से वो क्या करता है कि उसको कुछ दूध पिलाने की कोशिश की, ठीक है, बट ही वॉज अनेबल टू टेक मिल्क, लेकिन वो दूध लेने में अनेबल था क्योंकि वो छोटा बच्चा था। आफ्टर सेवरल आवर्स एफर्ट शी कुड मैनेज टू पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन टू हिज माउथ, और बहुत देर कोशिश करने के बाद से वो किसी भी तरीके से एक मध्य की बूंद जो है ना पानी की उसके मुंह में डाल में मैनेज हो सके यानी वो डाल सके। एंड आफ्टर टू डेज ही बिकेम हेल एंड हार्टी, और दो दिन के बाद वो स्वस्थ हो गया। गिलो टुक लिटिल फूड ड्यूरिंग द इनडिस्पोजिशन ऑफ द नरेटर, व्हाट डज दिस सजेस्ट, यानी गिलू जो था वो बहुत ही कम फूड मतलब कि लिया था, ठीक है, नरेटर के डिस्पोजिशन के समय, इसका मतलब तुम इसे क्या सजेशन मिलता है? द स्टेटमेंट सजेस्ट दैट गिलू हैड मच अफेक्शन विद द नरेटर, स्टेटमेंट से ये मतलब है कि जो गिलू है गिलू के पास ना गिलू को अपने नरेटर के साथ बहुत ही अफेक्शन था। विद द नरेटर्स इंडिस्पोजिशन यानी कि ड्यूरिंग द नरेटर्स डिस्पोजिशन गिलू वुड सिट नियर हर हेड लाइक वन आवर बेस्ट वेल विशर एकॉम्पनीज अस ड्यूरिंग आवर इलनेस, यानी कि नरेटर के बीमारी के समय अस्वस्थ की जब हालत थी उसके समय गिलू उसके सिर के पास बैठा रहता था, जैसे कि कोई मतलब कि हमारी बीमारी के दौरान कोई हमारा जो अच्छा चाहने वाला है शुभ चाहने वाला वेलविशर वो मतलब कि दोस्त जो है ना वो बैठा होता था। गिलू वुड पे हर अफेक्शन लाइक अ फैमिली मेंबर, और गिलू अफेक्शन जो था उनको मतलब कि एक फैमिली मेंबर की तरह देता था। टुक केयर ऑफ हर मेंटल पीस एंड प्लेजर, और उनके मेंटल पीस और प्लेजर का ध्यान रखता था। वेन द नरेटर वॉज इन हॉस्पिटल ही टुक लिटल फूड बिकॉज ही वॉज हैबिचुएटेड टू टेक फूड इन हर कंपनी, जब नरेटर हॉस्पिटल में थी तो वह बहुत ही कम मतलब खाया ही नहीं था क्योंकि वह खाना मतलब कि अपने कंपनी यानी दोस्त के साथ मतलब लेने की आदत हो गई थी उसे, वो साथ में खाना पसंद करता था। दस द लाइन सजेस्ट दैट गिलू हैड सो मच अफेक्शन विद द नरेटर, इस तरीके से लाइन ये सजेस्ट करती है गिलू के पास नरेटर के लिए काफी अफेक्शन था। दैट हर अब्सेंस डिड नॉट गिव हिम एनी प्लेजर इन फूड, और उसकी जो अनुपस्थिति थी उसे कोई भी मतलब कि फूड मतलब खाने में मजा नहीं आता था। Do you have any pet animal? How does it show concern for you? क्या तुम्हारे पास कोई मतलब कि एनिमल है, ठीक है, और कैसे तुम्हारे प्रति मतलब कंसर्न दिखाता है? ओके, तो इसका दो तरफ आंसर हो सकता है, एक तो हो सकता है नो आई हैव नो पेट एनिमल, अगर लिख देते हो तो उसके बाद में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर यस लिख देते हो कि यस आई हैव अ पेट एनिमल, मेरे पास एक पेट एनिमल है, तो यहाँ पे उसके बारे में लिखने जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे एक डॉग को लेकर के आंसर दिया हुआ है, इट इज अ डॉग विच आई कॉल शेरू, मेरे पास एक कुत्ता है जिसको मैं शेरू कहता हूँ। इट इज अ वेरी फॉन्ड ऑफ मी, यह बहुत ही मेरा क्या है फॉन्ड ऑफ है, ठीक है, सो ये मुझे पसंद करता है प्यार करता है। वेन आई लीज इट गो अवे इट बार्क्स लाउड,
में, यानी जब मैं इसे मतलब कि बांध देता हूँ ठीक है और मैं दूर जाता हूँ तो यह बहुत भौंकता है। फॉर इट वॉन्ट्स टू गो विद मी, यानी किसके लिए, कि जो चाहता है कि वो भी मेरे साथ चले। व्हेन आई टर्न बैक इट अगेन बार्क्स टू कम नियर मी, और जब मैं वापस लौटता हूँ तो फिर वह मेरे नज़दीक आकर के भौंकता है। व्हेन आई फील हंग्री इट इन्फॉर्म्स मॉर्निंग लाउडली, यानी कि जब यह भूखा, जब यह उसे भूख लगती है तो ये मतलब कि धीरे धीरे आवाज में मतलब कि वो इन्फॉर्म करता है मुझे मोन करता हुआ। वैगिंग इट्स टेल, अपने पूंछ को हिलाता हुआ। एंड मूविंग एट इट्स प्लेस, अपने जगह पर इधर उधर घूमते हुए। इफ आई गो आउट फ्रॉम हाउस फॉर सम डेज, अगर मैं किसी कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चला जाता हूँ। इट इवन डज नॉट टेक इट्स फूड विद जेस्ट, तो यह उत्साह के साथ अपने खाना को नहीं लेता है। इट मीन्स डैट माई डॉग ऑलवेज नीड्स माई कंपनी, इसका मतलब है कि जो कुत्ता है वह हमारी कंपनी, मेरी कंपनी हमेशा चाहता है। व्हाट डिड नरेटर फील एट द डेथ ऑफ गीलू, गीलू के मृत्यु पे नरेटर कैसा फील किया, कि डिस्क्राइब हर फीलिंग्स इन योर ओन वर्ड्स, उनके फीलिंग को अपने शब्दों में लिखो। एट द डेट ऑफ गिलू द नरेटर फेल्ट वेरी सॉरी, और गिलू की मृत्यु के बाद से नरेटर बहुत दुख फील की वो। सी ऑल्सो फेल्ट डैट द कंपनी ऑफ सुनजूही क्रीपर वुड गिव मच सेटिस्फैक्शन टू हिज सॉल, और वो ये भी फील की कि सुनजूही की कंपनी उसको ज़्यादा मतलब सेटिस्फैक्शन देगी उसके आत्मा को, बिकॉज ही लव्ड इट मच, क्योंकि यह इससे ज़्यादा प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। सी फर्दर फेल्ट डैट सम डे गिलू माइट कम आउट एज अ जूही फ्लावर, और बाद में ये भी महसूस की कि किसी न किसी दिन गिलू मतलब कि एक जूही फ्लावर के रूप में बाहर आएगा। इन वॉट कंडीशन डिड नरेटर फाइंड गिलू, किस कंडीशन में नरेटर गिलू को पाया, पाई। वॉट डिड सी डू विद इट, इसके साथ वो क्या की। वॉट वुड यू डू इन अ सिमिलर सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में तुम क्या करोगे, ठीक है तुम क्या करते। द नरेटर वुड फाउंड गिलू इन अ वुंडेड पोजिशन, नरेटर गिलू को घायल अवस्था में पाया। वेन टू क्रोज हैड असॉल्टेड इट, जब दो कौवे इसको आक्रमण किए हुए थे। इट विद द बिग्स, अपने चोंचों से। एंड वी आर रेडी टू किल इट, और वो बिल्कुल ही तैयार थे उसको मारने के लिए। इट वॉज लाइंग मोशनलेस, या बिल्कुल मोशनलेस पड़े हुए थे। हिडन इन द गैप ऑफ द एट द जंक्शन ऑफ फ्लावर पॉट एंड द वॉल, गमले और वॉल के जंक्शन के गैप में वो बिल्कुल ही मोशनलेस पड़ी हुई थी, बिल्कुल चल हिल डुल नहीं रही थी। द नरेटर जेंटली लिफ्टेड गिलू अप एंड ब्रॉट टू हर रूम, नरेटर उसे प्यार से ऊपर उठाया और उसे अपने रूम में ले आई। सी नर्स्ड हर वुंड्स, उसके घाव को उसने मतलब की मरहम पट्टी की। एंड गिव मिल्क एंड वाटर एज फूड, और खाने पीने के लिए ठीक है उसे पानी और दूध दी। सी ऑल्सो अप्लाइड पेनिसिलिन ऑइंटमेंट टू इट्स वुंड, और उसने मतलब कि उसके घाव पे पेनिसिलिन की ऑइंटमेंट भी लगाई। फर्दर सी केप्ट इट एज अ पेट, और बाद में इसे अपने पेट के रूप में रख ली ठीक है। ये तो हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर ये देना है ना ठीक है, कि वाट वुड यू डू इन अ सिमिलर सिचुएशन, तुम सिमिलर ऐसे सिचुएशन में तुम क्या करते हैं। तो आई वुड ऑल्सो डू द सेम थिंग, सॉरी सम यहाँ पर लिखा, गलत लिखा है, सेम थिंग वाट द नरेटर डिड, यानी कि मैं वही चीज करता जो कि नरेटर ने किया। फ्रेंड्स आपका ये क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया, आप लोग कह रहे थे क्वेश्चन आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो आपको क्वेश्चन आंसर सारा का सारा मिल जाएगा ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो अपने दोस्तों को बताइए कि हम लोग यूट्यूब पे ऐसे पढ़ा रहे हैं सारे क्वेश्चन आंसर के साथ, मीनिंग के साथ, वर्ड्स के साथ। आपको फ्यूचर में मतलब ग्रामर की भी लेसन मिलेंगे यूट्यूब पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना है, बेल बटन को जरूर दबा दें ठीक है, ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट जो है तुरंत मिल जाए, ये तो ऐसा होता है कि मिस कर जाता है ओके। और फिर आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में लिखें आपको वीडियो कैसी लगे। धन्यवाद।